एंड अनदर व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। 3 दिन से जो है ना गंदम की कटाई बंद हो चुकी है क्योंकि मुसलसल बारिश होने की वजह से। तो अभी मैं आया हूँ अपने गाँव के वो तूड़ी निकालने वाली जो थी ट्रैक्टर, अभी जाता हूँ वहाँ पे थोड़ा उसका क्लिप बनाता हूँ। और काफ़ी गंदम कटी हुई है जो बारिश की वजह से अभी तक पड़ी हुई है गीली। तो 2 दिन से वीडियो भी नहीं आया, तो आज अपना व्लॉग अच्छा बनाते हैं और दिखाते हैं आप दोस्तों को कि तूड़ी कैसे निकलती है। वो सामने ट्रैक्टर रुका हुआ है, वो भी निकालते हैं तूड़ी, वो भी दिखाता हूँ आप दोस्तों को। इस तरफ बकरियों के पीछे लगा हुआ है किसान, ये उसके जो है ना घास थी अपने गायें और बकरियों के लिए बचा के रखी थी। तो गाँव की जो बकरियाँ निकल के आती हैं इनको खाने के लिए। ये इस तरफ गंदम कटी हुई है, वो भी दिखाता हूँ दोस्तों को क्योंकि मुसलसल बारिश होने की वजह से फिलहाल जो है ना गंदम की कटाई रुक चुकी है। अच्छा ये रही वो गंदम, ये देखो बारिश की वजह से ना मतलब सही नहीं हो रहा, गंदम अभी भी मतलब गीली है। कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मसला हो गया है किसानों गरीबों को। वाला खैर करे, आज या कल तक ये सूख जाएगी। आज का दिन अच्छा है काफ़ी, मतलब बादल वगैरह नहीं है। तो वो भी दिखाता हूँ आप दोस्तों को थोड़ी, फिर चलते हैं उस तरफ, कुछ गंदम कटी हुई है वो भी दिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें यार। वीडियो तो देख रहे हैं यार कोई, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। अच्छा यार अभी मैं जा रहा हूँ वापस गंदम की, ये वो तूड़ी निकाल रही है। अभी हम चले घर, वहाँ से घूम कर जाएंगे, ये मेरा विलेज है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि फ़िलहाल जो है ना गंदम रुकी हुई है बारिश की वजह से। जो कुछ कटी हुई है वो मैं दिखा देता हूँ। आज जो है ना अपना व्लॉग में ऐड किया है अपना तूड़ी वाला कि तूड़ी कैसे निकलती है, गंदम कटिंग हो जाती है उसके बाद जो कुछ गंदम अगर बचते हैं ना तो उसको तूड़ी होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं। अच्छा ये वो तूड़ी पड़ी हुई है जहाँ बकरियाँ खड़ी हैं, बाकी हम चले आगे। ये 2 दिन से कटिंग हुई पड़ी है यहाँ पर, ये गंदम भी रुकी हुई है इस बारिश की वजह से। सब सूखी हुई है लेकिन फिर भी कटिंग हुई पड़ी है, इस तरह बच्चे खेल रहे हैं। तो ये पूरी इस बार बुलाते हैं रखी हुई है, गंदम बांधी हुई। अब इसको थोड़ी हवा बहुत लगेगी, उसके बाद जो है ना इसे जमा करके थ्रेशर निकालेंगे। ये इस तरफ गाय खा रही है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब। इस तरफ भी गंदम अभी रुकी हुई है सारी, ये सारी थ्रेशर के लिए पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर अक्सर हर घर में जानवर हैं जिनको तूड़ी की ज़रूरत पड़ती है।